गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग कम इन बेटा। आज बहुत तेज गर्मी है ना, धूप भी बहुत तेज है। हाँ हाँ पूछो बेटा। हाँ बैठिए, अभी बताते हैं। देखिए ये बच्चा बोल रहा है कि ये जब बाहर धूप से आया तो कमरे में आने के बाद उसको थोड़ी देर के लिए अंधेरा सा लग रहा है ना? क्या आप लोगों के साथ बच्चों ऐसा हुआ है? मेरे साथ भी होता है। लेकिन बच्चों इसके पीछे का विज्ञान आपको हम बताते हैं आज, कि हमने आपको बताया था जब हम किसी चीज को देखते हैं आंखों से तो उसका जो प्रतिबिंब है किस पे बनता है? रेटिना पे, है ना? और रेटिना पे जब प्रतिबिंब बनता है तो वो संदेश किसको भेजता है? दिमाग को भेजता है। और दिमाग तब हमें बताता है कि वो चीज कैसी है ना? लेकिन जब हम लोग धूप में होते हैं बेटा तो हमारी आंखों की ये क्या होती है? पुतलियां होती हैं। वो कैसी हो जाती हैं? सिकुड़ जाती हैं। क्या आप लोग धूप में देख पाते हो आंखें खोल के? बिल्कुल नहीं देख पाते। सूरज की तरफ क्या देख सकते हो? सूरज की तो बिल्कुल ही नहीं देख सकते हो। और धूप में भी हम लोग आंखें ऐसे झुका के बात करते हैं, बिल्कुल बंद करके पुतलियां सिकोड़ के बातें करते हैं। लेकिन जब हम लोग छाव में आते हैं यानी घर में जाते हैं तो क्या होता है? थोड़ी देर के लिए जो आंखों पे, जैसे रेटिना तो हमारी पुतलियां तो बंद हो गई थी, तो जो उस पर प्रतिबिंब बना धूप में तो वो दिमाग तक थोड़ी देर नहीं पहुंच पाया, उसका संदेश नहीं पहुंच पाया कि चीज कैसी थी। तो इसी वजह से जब हम लोग कमरे में आते हैं तो क्या होता है कि थोड़ी देर अंधेरा सा छा जाता है, क्योंकि संदेश तो पहुंच ही नहीं पाया दिमाग तक, है ना? लेकिन जब थोड़ी देर बाद नॉर्मल हो जाती है, हमारी आंख की पुतलियां खुलती हैं, तब हम लोगों को साफ दिखाई देने लगता है। और बच्चों पता है ये जो हमारी आंखों की पुतलियां होती हैं उनमें विशेषता होती है कि जब तेज धूप होती है तो आंखें क्या होती है? अपने आप भी क्या होती है? सिकोड़ सिकुड़ जाती है ना? और जब अंधेरा होता है हल्का, तब अंधेरे में क्या होता है? और फैल जाती है। अरे कौन है? ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो अंधेरे में भी हम लोगों को देखने की शक्ति होती है कि हल्का अंधेरा है तब भी हमारी पुतलियां और फैल जाती हैं, ऐसे करके देखते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो बच्चों अब समझ में आया आप लोगों को? चलिए अच्छा ठीक है।